अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉर्नियल डायग्राम एंड कलर कोड्स एंड स्टैंड्स। बेसिकली हम देखेंगे जो कॉर्नियल डायग्राम्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, और जो कलर कोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और कलर कोड्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और जो कलर जो होते हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं, लाइक रेड, ब्लैक, ब्राउन, उनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कॉर्नियल डायग्राम में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कॉर्नियल डायग्राम इंपॉर्टेंस की। बेसिकली कॉर्नियल डायग्राम इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसमें जो इसकी पहले जो इंपॉर्टेंस जो दी है वो है हमारी डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई कॉर्निया से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसका विजुअल एक्ट लेकर और उसका रिफ्रैक्शन करके जो हम उसको डॉक्यूमेंटेशन देंगे डायग्नोस में, तो हम उसमें इसको ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो गई हमारी कॉर्निया हो गई और ये हमारा क्या है पीपल हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कॉर्नियल ओपेसिटी है या फिर कोई कॉर्नियल स्कार है तो हम उसको क्या है हल्का सा ऐसे इसको ब्लैक कलर से शो कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन में। सेकंड जो दिया है वो दिया है ईजी टू फॉलोअप, पेशेंट को फॉलोअप करने में इजी होगा। मान लीजिए कोई पेशेंट आया है जिसको क्या था कॉर्नियल स्कार था और हम उसका क्या है फॉलोअप कर रहे हैं, तो जब उसके डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा पेशेंट के आँख जो कॉर्निया की कंडीशन पहले क्या थी और अब क्या है। थर्ड नंबर का जो हमारा इम्पोर्टेंस जो दिया है वो है कंपैरेबल, और जो फोर्थ नंबर का जो है हमारा इम्पोर्टेंस वो है इंक्रीज ऑब्जर्वेशन पावर स्लिट लैम्प स्किल्स। ऑब्जर्वेशन पावर और स्लिट लैम्प स्किल्स हमारी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं फ्रंटल व्यू और स्लिट लैम्प व्यू। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रंटल व्यू हो गया और ये हमारा स्लिट लैम्प व्यू। तो स्लिट लैम्प व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, फ्रंटल लाइन जो होगी एपिथीलियम, बैक लाइन एंडोथीलियम, मेंशन लेवल ऑफ लीजन, एरिया ऑफ थिनिंग, एसी डेप्थ एंड एसी लीजन लेंस स्टेटस। तो सबसे पहले उसके बाद ये तो हो गई हमारी इम्पोर्टेंस की। उसके बाद हम बात करेंगे सम कलर्स यूज्ड इन कॉर्नियल डिजीज़। जो हमारी कॉर्नियल डिजीज़ जो होती है हमारी, उसमें कौन कौन से कलर यूज़ किए जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए या फिर कॉर्नियल डायग्राम के लिए कौन कौन से कलर यूज़ किए जाते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहले जो कलर जो दिया है वो है ब्लैक कलर। हम ब्लैक कलर का क्या इंपॉर्टेंस हमारा कॉर्नियल डिजीज़ में, और इस कलर से हम कौन सी डिजीज़ को इंडिकेट करेंगे। ब्लैक कलर यूज्ड फॉर एनी कलर आउटलाइन, जो ब्लैक कलर जो यूज़ होता है हमारा कॉर्नियल आउटलाइन के लिए। तो इसमें हमारा पहला जो ब्लैक कलर जो यूज़ होगा वो कॉर्निया के किन डिजीज़ को इंडिकेट करेगा, कॉर्नियल आउटलाइन, स्कार, ओपेसिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, सूचर, गटेक, कॉर्नियल नर्व्स, बॉक्स, स्टैंड। अगर ये कोई भी डिजीज़ होगी हमारी कॉर्निया में तो हम उसको किससे इंडिकेट करेंगे, ब्लैक कलर से। मान लीजिए ये हमारा स्कार है कॉर्निया पे, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, यहाँ पे क्या है ये स्कार शो कर दिया है ब्लैक कलर से, और ये हमारा स्लिट लैम्प व्यू है, ये क्या है हमारा कॉर्निया हो गई, ये सिलरी बॉडी हो गई, और यहाँ पे क्या हमने स्कार को शो कर दिया। तो इस तरह से क्या है हम जब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे अगर कॉर्निया डिजीज़ में स्कार है तो हम उसको ऐसे शो कर देंगे। उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम्पल जो दिए हैं ये है सूचर्स। सूचर्स को भी क्या है हम इंडिकेट करेंगे, मान लीजिए किसी पेशेंट के आँख में सूचरिंग हुई हुई है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो उसको ब्लैक कलर से इंडिकेट करेंगे कॉर्निया में। ये हमारा फॉरेन बॉडी है, ये हमारा यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया FB। जब हम इसको इंडिकेट करेंगे फॉरेन बॉडी को तो उसको भी ब्लैक कलर से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद जो दिया है हमारा वो है ग्रेन्यूलर डिस्ट्रॉफी। अगर ग्रेन्यूलर डिस्ट्रॉफी हुई है तो उसको भी क्या है हम ब्लैक कलर से स्पॉट लाइक इंडिकेट करेंगे, जैसे ये हमारा फ्रंटल व्यू में किया है हमने और ये स्लिट व्यू में किया है। तो गाइस ये तो हो गया हमारा ब्लैक कलर, ब्लैक कलर को हम कॉर्निया की किस डिजीज़ में कैसे इंडिकेट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राउन कलर की। ब्राउन कलर जो होता है हमारा, ब्राउन कलर को हम किस डिजीज़ से ब्राउन कलर को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इंडिकेट करेंगे। पहला हमारा इसमें दिया है पिगमेंट डीजनरेशन, आइरिस,
फ्लैशर्स रिंग। सो स्टूडेंट, इसमें मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। मान लीजिए अगर एंटीरियर साइनिकिया है तो हम उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, एंटीरियर साइनिकिया में क्या होता है, जो हमारी आयरिस जो होती है वो एंटीरियरली हमारी कॉर्निया के पोस्टीरियर से क्या है, चिपक जाती है, एक तरह से ऐड हो जाती है। तो इसमें क्या है, अगर पोस्टीरियर साइनिकिया है तब भी हम उसको ब्राउन कलर से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है स्फेरॉइडल डीजनरेशन। अगर स्फेरॉइडल डीजनरेशन हो गया है तो उसको क्या है, ब्राउन कलर से इंडिकेट करेंगे। ये स्पॉट्स लाइक इरेगुलर स्पॉट्स लाइक का आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है हमारा, ये फ्रंटल व्यू है। सो ये तो हो गया हमारे ब्राउन कलर की बात। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट ब्लू कलर की। ब्लू कलर को हम कॉर्निया के किस डिजीज़ में इंडिकेट करेंगे, डैसमेंट फोल्ड्स और इडिमा। डैसमेंट फोल्ड और इडिमा में क्या है, ब्लू कलर को इंडिकेट करेंगे। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, ये क्या इरेगुलर स्पॉट्स है, ब्लू शेड डिफ्यूज स्ट्रोमल इडिमा है, जिसको हमने इंडिकेट किया है ब्लू कलर से। और ये क्या है हमारा, ब्लू वे लाइन्स हैं, डैसमेंट फोल्ड्स हैं, ये लाइक स्ट्रक्चर, ये लाइक टेढ़ी वेढ़ी जो दिखाई दे रही हैं इसमें। उसके बाद हमारा दिया है ब्लू स्मॉल सर्कल्स एपिथीलियम इडिमा। इसमें क्या है हमारे, ब्लू स्मॉल सर्कल्स हैं छोटे छोटे। तो ये क्या हो गया हमारा, ब्लू कलर हो गया। बात करते हैं रेड कलर की। बेसिकली जो रेड कलर जो होता है वो हम आगे किस डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं, रेड कलर को वेसल्स में सुपरफिशियल डीप गोस्ट वेसल्स के लिए, कंजेशन के लिए हम रेड कलर इंडिकेट करते हैं। हेमरेज में भी रेड कलर इंडिकेट करते हैं। अगर वेसल्स को भी क्या है, हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में रेड वेसल्स को भी हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं, कंजेशन, हेमरेज, प्यूपले ऑफ फॉलिकल्स, हाइफेमा, रूबियोसिस, अराइडिस, आरबी स्टैन। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये क्या है हमारा, रेड कलर से इंडिकेट किया है कॉर्निया पर, स्मॉल बेबी लाइन विगिन आउटसाइड द लिम्बस सुपरफिशियल वेसल्स। ये हमारी दी हैं डॉटेड लाइंस कॉस्ट वेसल्स। उसके बाद जो दी है हमारी ये वाली लाइन, इसको हमने रेड कलर से इंडिकेट किया है, स्ट्रेंथ लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम लिम्बस स्ट्रोमा वेसल्स। तो ये बात, ये हो गया हमारा रेड कलर। रेड कलर को हम किन किन डिजीज़ में इंडिकेट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन कलर की। बेसिकली जो ग्रीन कलर को जो हम इंडिकेट करते हैं वो फ्लोरेसिन एपिथीलियम डिफेक्ट, बिट्रस और लेंस के लिए, ठीक है। इसमें हमारा दिया है, ये हमारा जो, ये क्या हमारा कॉर्नियल सरफेस है, ये हमारे जो छोटे छोटे डॉट्स दिए हैं, ग्रीन डॉट्स पंक्टम एपिथीलियम केराटोप्लास्टी के लिए। ये इरेगुलर ग्रीन स्पॉट जो है वो है ग्रीन शेड्स एपिथीलियल डिफेक्ट। उसके बाद ये जो दिया है हमारा वो स्मॉल ग्रीन लाइंस जो दिए हैं, हमारी स्मॉल ग्रीन लाइंस फ्लामेंट्स दिए हैं। तो हम इसको क्या है, ग्रीन कलर को क्या है, हम इन डिजीज़ में इंडिकेट करते हैं, ग्रीन कलर से इन डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो एग्जांपल जो दिया है ग्रीन कलर का वो है हमारा डेंड्राइटिक अल्सर, मार्जिनल रोज बैंगल, पॉजिटिव बेस फ्लोरेसिक स्टैंड। ये इरेगुलर स्पॉट्स जो बने हैं फ्रंटल व्यू में हमारे कॉर्निया पर। उसके बाद येलो कलर की बात करें तो येलो कलर को जो हम इंडिकेट करते हैं वो करते हैं हम इन्फिल्ट्रेट, हाइपोपियन, क्रैटिक प्रिसिपिटेट्स। इसमें हमारा दिया है, मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को हाइपोपियन हो गया है, हाइपोपियन क्या है हमारा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ये जिसको हम पस बोलते हैं, वो हमारा एंटीरियर चैम्बर में फिल होता है, जिसको हम हाइपोपियन बोलते हैं। तो हम इसको इंडिकेट करेंगे येलो कलर से। उसके बाद हम, ये हो गए हमारे कलर्स। बेसिकली हमने सिक्स कलर्स को अलग अलग आई डिजीज़ में इंडिकेट किया है। मोस्टली जो इंडिकेट किया है वो कॉर्नियल डिजीज़ में इंडिकेट किया है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्नियल अल्सर। बेसिकली जो कॉर्नियल अल्सर को जो हम इंडिकेट करेंगे वो हम येलो कलर से ही करेंगे। इरेगुलर अल्सर
द मार्जिनल ग्रीन इंडिकेट एपिथीलियम डिफेक्ट, जो मार्जिनल जो दिखना है वो आप ग्रीन कलर से हैं, और जिसके अंदर वाला जो है हमारा वो है येलो इंडिकेट, सेंटर वाला पार्ट येलो इंडिकेटेड नेक्रोटिक अल्सर। ये हमारा हो गया फ्रंटल व्यू, ये हमारा हो गया, ये हमारा फ्रंटल व्यू, ये स्लिट व्यू हो गया। इट इज़ सेंट्रल अल्सर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल अल्सर। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैन इन कॉर्निया, कॉर्निया की स्टैन की बात करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्री स्टैन, जो हमारी इम्पॉर्टेंट स्टैन जो होती हैं वो थ्री स्टैन होती हैं, फ्लोरेंसिक स्टैन, द रोज बैंगल स्टैन, लिजमाइन स्टैन। फ्लोरेंसिक स्टैन जो होती है हमारी, वो फ्लोरेंसिक स्टैन स्ट्रिप ईच कंटेनिंग 0.6 mg to 1 mg ऑफ द टी ऑरेंज वाटर सॉल्यूबल डाइस। ये क्या है, हमारी ऑरेंज वाटर सॉल्यूबल डाइस होती हैं। इसका जो यूज़ जो होता है वो होता है हमारा डायग्नोसिस ऑफ ड्राई आई डिजीज़। फर्स्ट जो दिया है इसमें वो दिया है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड ग्रेडिंग ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टाइवल फ्लोरेंसिक स्टैनिंग। सेकंड दिया है हमारा मेजरमेंट ऑफ टीवीयूटी टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, टीयर मिनिस्कस हाइट। उसके बाद जो सेकंड डायग्नोस है वो है आइडेंटिफाई एंड मॉनिटरिंग कॉर्नियल एपिथीलियम डिफेक्ट, कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल एब्रेशन एंड कॉन्टैक्ट लेंस। तो इसका ये हो गया गाइस, इसका यूज़ हमारा फ्लोरेंसिक डाई का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डाई की, हमारी वो है नेक्स्ट डाई जो दी है हमारी सेकंड नंबर की ल्यूजामाइन ग्रीन 1.5 mg डाई इम्प्रिग्नेटेड स्ट्रिप्स, हाई एफिनिटी फॉर स्टैनिंग डैड एंड डिजनरेटेड सेल्स इंक्लूडिंग प्रीफेयर डाई फॉर स्टैनिंग द बल्बर कंजक्टाइवा। उसके बाद देन द रोज बैंगल 1.3 mg डाई इम्प्रिग्नेटेड स्ट्रिप्स, हेलाइट डेब्रीवेशन ऑफ फ्लोरेंसिंग स्टैंडर्ड एंड डेविटिलाइज्ड सेल्स इंक्लूडिंग म्यूकस स्टैंडर्ड ऑन द ऑकुलर सरफेस। यूज़ है हमारा वो है कंजक्टिवल स्टैनिंग, डायग्नोस ऑफ ड्राई आई एंड डिजीज, डिसप्लास्टिक और स्क्वामस मेटाप्लास्टिक सेल्स, कंजक्टिवल स्क्वामस न्यूप्लाज्मा। स्टैनिंग फॉर हैप्टिक कॉर्नियल एपिथीलियम डेंड्राइटिक, एंड द लास्ट पॉइंट इज सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस। थैंक यू सो मच।